छोटे के लिए मैंने टोस्ट बना कर दे दिया टिफिन में, और अभी हमारे लिए, मेरे और पीडी के लिए स्वीट डिश मिल्क मेड के साथ, क्योंकि पीडी को भी टोस्ट पसंद नहीं है। तो बस ब्रेकफास्ट तैयार है मिल्क मेड के साथ, ये है मीठा। तो आज ब्रेकफास्ट में मीठा और नमकीन दोनों ही है, ये है नमकीन। तो आई होप कि आप सब अच्छे हो, हम भी यहाँ पे ठीक है। और मैंने शावर ले लिया है, पूजा भी हो गई है, और अब मैं लंच तैयार करने वाली हूँ। तो आज लंच बहुत ही सिंपल बनाने वाली हूँ। लंच में आज बहुत ही सिंपल मेन्यू है। यहाँ पे ये देखिए स्टिकी हुक जो मैंने कोरियन मार्केट से लिया था, हिला हुई, इसका क्वालिटी मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने तो पहले इसमें वो चॉपिंग बोर्ड भी लगाया था, सारा नीचे गिर गया है। और लाख लाख शुक्र है भगवान का कि उसमें मैं कप भी रखने वाली थी, कप वो फिट नहीं आ रहा था इसलिए मैंने हटा दिया था। तो अगर कप लगा देती तो पूरा टूट के टूट जाता। मैं जब टीवी देख रही थी सारा काम खत्म करके, और फिर अचानक से एक आवाज आया थर्राम से, और फिर मैंने देखा कि ये टूट के नीचे गिर गया है, तो इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने सोचा कि चॉपिंग बोर्ड का वेट नहीं ले पा रहा है शायद इसलिए, फिर मैंने वो छोटा सा जो ये सिर्फ इसी को लगाया है, और ये भी गिर गया फिर आधे घंटे बाद। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ लगा पाऊंगी। ये इस टाइप का जो स्टिकी हुक होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। वैसे मैंने मिनीसो से भी लिया है, भी स्टिकी हुक लिया था, वो बहुत ही अच्छा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, उसमें मैं बहुत सारे सामान रखती हूँ लेकिन कभी भी ऐसे नीचे नहीं गिरा। लेकिन इसका क्वालिटी शायद अच्छा नहीं है, महीने से भी ज़्यादा हो गया है शायद, मैंने एक बार लगा लिया तो गिरता नहीं है ये। इसका तो वेट भी बहुत ज़्यादा है। और मैंने होम टाउन से भी लिया था, वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो यही सोच के मैंने लिया था। और ये लेने से क्या होता है कि वाल वाल जो होते हैं ना, उसको होल नहीं करना पड़ता है। तो अगर हम इसको होल करके कुछ लगाते हैं तो फिर ऐसा मन किया कि अभी मुझे ये यहाँ पे ये चीज़ नहीं रखना है, तो उसको जब मतलब निकाल लेते हैं तो वो दिखने में बहुत ही होल जो है वो दिख जाता है, बहुत ही खराब लगता है। तो इसीलिए मैं इस टाइप के स्टिकी हुक बहुत यूज़ करती हूँ, लेकिन इसका क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और हाँ, ये वीडियो आप तक जाते जाते शायद 26 जनवरी रिपब्लिक डे आ जाएगा, तो इसलिए एडवांस में हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज लंच के मेन्यू में है सब फ्राई, यहाँ पे ये है फिश फ्राई, और ये है कॉलीफ्लावर फ्राई, ये रहा ब्रिंजल फ्राई, ये है मिक्स वेज और चना दाल। तो लंच में आज बस यही है। वेलकम बैक टू द चैनल शोमास लाइफस्टाइल एंड व्लॉग्स। और आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो आज छोटू घर पर ही था क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रहा था, इसलिए छोटू ने ही पूजा कर लिया है। और मैं आ गई हूँ शावर लेने के बाद, सारे काम खत्म हो गए हैं, अब बस लंच तैयार करना है। अब मैं जाने वाली हूँ किचन में लंच तैयार करने के लिए। आज लंच में मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता।
तो चलिए फटाफट से थोड़ी सी कुकिंग शुकिंग हो जाए अभी, लेकिन इससे पहले मुझे इस बेड को भी ठीक करना है। पहले इसे ठीक करूंगी और उसके बाद कुकिंग। ये लाई थी सुपर 99 से, क्लासिक सॉल्टेड बटर कैरमल पॉपकॉर्न दो लाई थी, एक था ये खत्म हो चुका है, ये थोड़ा तीखा था, ये खाते ही ना मुझे वो बचपन की याद आ गई। हम लोग पहले खाते थे, एक टॉफी मिलता था, क्या था उसका नाम, एल्पेन लेबल। सोनू खाया है तुमने एल्पेन लेबल? एल्पेन लेबे, हाँ वही था। उसका उसका जैसा टेस्ट नहीं है क्या इसका? ऑलमोस्ट उसी के जैसा, मुझे खाते ही उसकी याद आ गई। और वो मुझे बहुत पसंद था एल्पेन लेबल, मैं खाती रहती थी तो इसीलिए मुझे उसका टेस्ट जो है याद है अभी तक। बहुत खाया मैंने वो, और आज मुझे उसी की याद दिला दी है इसने। आज मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता, और भरता बनाने के लिए मैं बैंगन को बीच में से ऐसे चीरा लगा लूँगी। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये गार्लिक, तेल से थोड़ा सा ब्रश कर रही हूँ, इससे छिलका जो है आसानी से निकल जाएगा। साथ में ये टमाटर, यहाँ पे मैं आज बनाने वाली हूँ बेबी कॉर्न की सब्जी। तो सबसे पहले तो इसे काट लूंगी, बेबी कॉर्न की सब्जी बनाने के लिए पहले तो मैंने बेबी कॉर्न को नमक के साथ बॉयल किया पानी में, और उसके बाद उसमें मैंने बेबी कॉर्न में जिंजर गार्लिक पेस्ट और हल्दी नमक डाल के फ्राई कर लिया है अच्छी तरह से। और अब मैं यहाँ पे ढेर सारा दे दिया है मैंने अनियन, और उसके साथ जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, मिर्च पाउडर, नमक सारे डाल के अच्छे से फ्राई करके अब मैं ये थोड़ा सा बॉयल होने के लिए मैंने छोड़ दिया है। और इस तरफ मैंने बैंगन भरता में अनियन चॉप किया हुआ अनियन, और फिर इसमें मैंने नमक और सरसों का तेल कच्चा डाल दिया है, और थोड़ा सा धनिया पत्ता, कोरिएंडर लीव्स, और लास्ट में मैं दे रही हूँ चिली। कोरिएंडर लीव्स को गार्निशिंग के लिए देते हैं, और मैं दे रही हूँ ग्रीन चिली को, क्योंकि तीखा मैं नहीं खा पाती हूँ तो मैं तो साइड में से खा लूँगी ये पीडी के लिए।
बस तैयार है बैंगन का भरता, गर्मा गर्म राइस के साथ। बहुत यमी बनता है ये। और यहाँ पे देखती हूँ क्या हाल है इसका। ये लगभग गया है। और ग्रेवी को और थोड़ा ठीक बनाने के लिए इसमें मैं दे रही हूँ कॉर्नफ्लावर। तैयार है बेबी कॉर्न की सब्जी। और लास्ट में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कसूरी मेथी। लंच हो गई है हमारी। और आज बैंगन का भरता इतना टेस्टी बना था ना, पीडी को तो इतना अच्छा लगा कि रात को भी आज रोटी नहीं खाने वाला है। पीडी कह रहा है कि रात को भी आज राइस ही बनाना और बैंगन के भरते के साथ। तो पीडी के लिए मैंने थोड़ा सा बचा कर भी रख दिया है, बैंगन भरता के साथ ही राइस लेने वाला है पीडी आज रात को। तो बहुत ही यमी बनता है इस टाइप से बनाने से। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई करना, बैंगन के अंदर गार्लिक डाल के। बहुत ही टेस्टी बनता है। और मैं तैयार हूँ अभी होम टाउन जाने के लिए पीडी के साथ, क्योंकि मुझे वो फ्राइंग पैन चाहिए लेना है। तो एक लास्ट ट्राई करके देखती हूँ, अगर आज मिल जाता है होम टाउन पे तो ठीक है, नहीं तो मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करके ही खरीदना पड़ेगा। और इस वक्त होम टाउन पे चल रहा है रिपब्लिक डे अप टू 60% सेल। तो देखती हूँ अगर मिल जाता है तो अच्छा है, नहीं तो मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करके ही लेना पड़ेगा। और ये ड्रेस मैंने पहले पहना है, आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर 2 मिनट के अंदर अंदर तैयार होना है तो ये ड्रेस एकदम परफेक्ट है। रिपब्लिक डे के लिए आज रोड पूरा खाली खाली सा है। तो ये सारे रास्ते गाड़ियों से भरा हुआ रहता है। तो चलिए गाइज, आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में होम टाउन टूर और शॉपिंग हॉल को लेकर। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।